मैनपुरी में इस वक्त कोरोना से बचने के लिए सभी लोग ईश्वर से अलग अलग प्रकार से दुआ कर रहे हैं। हम लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करें। इसी क्रम में बिलाव ब्लॉक बेवर में ग्राम जोगा में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया। यह आयोजन दिनांक 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगी। कथावाचक आज आगे श्री भोज बिहारी जी महाराज, जो श्री धाम वृंदावन से आए हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह भास्कर से वार्ता की। इसके बाद जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे तो सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद दिया। उसके बाद श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से कथा का शुभारंभ किया गया, जिसमें कथा के प्रेमी महिला और पुरुषों ने तालियां बजाकर खूब आनंद लिया। आचार्य श्री ब्रज बिहारी जी महाराज के अलावा आचार्य के साथ पंडित भारत उपाध्याय, अमरीश महाराज, बंटी भैया, प्रदीप, चंचल, प्रेम भैया, वादक व सहयोग करते रहे। आइए दिखाते हैं और आपको सुनाते कि आचार्य ब्रज बिहारी जी ने महाराज ने क्या कुछ कहा। आप भी अगर नाराज हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? तो भक्त बहुत सुंदर करता है। मुझे सामने तेरा सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न हो। मुझे साथ तेरा सहारा न होगा तो दुनिया में कोई हमारा न होगा। मुझे साथ तेरा सहारा न होगा तो दुनिया में कोई हमारा न होगा। यारे बहुत सुंदर आनंद सभी झंझटों Thank you.
और जिसमें गुण की अधिकता होती है उसकी रुचि बचपन से लग जाती है किसी भी चीज में देख लीजिए। और कुछ एक क्या होता है कि कुछ एक संगति का असर होता है, जैसे घर में कोई कथावाचक है या कोई मित्र कथावाचक है या किसी की संगति में पढ़ के आदमी इधर उधर मुड़ जाता है, मुझे ये सीखना है। और एक होता है गॉड गिफ्टेड, जिससे कहते हैं बचपन से ही वो गुण आते हैं, मेरे साथ बचपन से ही थे, मेरे घर में कोई कथा नहीं करता, मैं 3 वर्ष से की उम्र थी, मात्र 3 वर्ष की, तब से गाता हूँ, खड़ा नहीं हो पाता था तब गाता था, हारमोनियम कैसे आ गया मुझे अपने आप पता नहीं, मुझे ये मालूम नहीं, पहली बार बजाया तो गा के बजा के गाया गया, सब गॉड गिफ्टेड रहा। और सानिध्य में अनेक संतों के सानिध्य मिले, बालेश्वर जी महाराज हैं तो वो मुझे बचपन में मुझे देखा, उन्होंने परखा तो वो मेरे साथ ले गए, तब से फिर बढ़ता ही चला। अच्छा, समाज में आप कथा के माध्यम से धर्म प्रचार करते हैं जी, तो लोगों को किस तरीके से जो आज की व्यवस्था है उस व्यवस्था से अलग हटने की, हटाने की, यानी कि धर्म प्रचार करने की, धर्म के आधार पर चलने के लिए उस रास्ते पर उन लोगों को किस तरीके से आप चलाने की प्रयास करें? देखिए, ये हर युग की शुरुआत जब होती है ना, प्रत्येक युग की, तो हर युग का ये नियम है कि शुरुआत में उस युग की महत्वता प्रारंभ होती है। सत्ययुग का अपना एक अलग लक्षण है, कलयुग का अलग लक्षण है, तो ये कलयुग की प्रारंभिक सीमा है, अभी उतना व्यवचार और उतना वो नहीं है लोगों में, लेकिन हाँ आधुनिकता का बहुत बड़ा असर है लोगों पर। तो हम बस केवल यही चाहते हैं, लोगों को यही संदेश देते हैं कि संस्कृति को आधुनिकता में मत डालिएगा, संस्कृति आप अगर मॉडर्न करेंगे तो संस्कृति मॉडर्न नहीं रहेगी, हमारी संस्कृति में चोटी है, अगर हम उसे मॉडर्न करेंगे तो कट जाएगी, मॉडर्न नहीं हो सकता, मॉडर्न नहीं, हम धोती को मॉडर्न नहीं बना सकते, धोती का तरीका ही एक ही है, पहले इसी तरह से पहन लीजिए धोती ही कहा जाएगा उसे, तो संस्कृति को मॉडर्न नहीं कह सकते। हाँ, हम अपनी लाइफ स्टाइल संस्कृति से ओतप्रोत आज के समाज के हिसाब से जी सकते हैं, लेकिन हम कथा से यही संदेश देते हैं कि आप शास्त्र की विधि से जिए और अपने माँ बाप का, अपने बड़ों का सम्मान करते हुए नैतिकता में अपने जीवन में ढाले, यही कथा है। कथा में बैठ के कहानियों से कुछ नहीं होगा, केवल उन कहानियों का निष्कर्ष लीजिए कि ध्रुव को 5 वर्ष में भगवान क्यों मिल गए जी, तो ये एक नैतिक कार्य है कि उनकी माँ ने संस्कार दिए कि 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा को प्राप्त किया, तो कथा केवल एक नैतिकता सिखाती है। ऐसा कोई जो आपके जीवन में एक नई उजाला लेके आया हो, कोई ऐसी घटना जिस घटना से आप प्रेरित हुए हो और समाज को प्रेरणा हो, घटना को प्रेरित ऐसा कुछ दर्शकों को? मैं बचपन से ही, मेरे जीवन में घटनाएं होती चली आई हैं, मैं ठाकुर जी का बड़ा प्यारा हूँ और अभी तक कोई ऐसी तो जीवन में कोई, क्योंकि जीवन रहा ही मेरा ऐसा, वहाँ ऐसी पगड़ी मेरी, कभी कोई विचित्र घटना का ध्यान ही नहीं रहा, ऐसी घटना ही होती रही हमेशा से, भक्ति में जुड़ा रहा हमें, तो उनके जीवन में आती है जिनके, जिनका जीवन अलग सा होता है, अचानक ऐसी कोई घटना आए, मेरा तो जीवन ही इन घटनाओं में जुड़ा है उसके लोगों से, हाँ रोज घटनाएं होती मेरे साथ। एक ऐसी घटना जो दर्शक समझ सके जी, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से कथा करके निकल रहा था जी, अकेला था, ये लोग चले गए थे, गाड़ी में ड्राइव कर रहा था जी, अचानक मुझे सामने लगा कि जो पड़रिया चौराहे के आसपास बड़ा इलाका वैसा है जी, अचानक एक वो लकड़ी गाड़ी बड़ी सी किसी मेरी गाड़ी के सामने, गाड़ी थी छोटी उस समय 800 थी, बहुत पुरानी बात था जी, तो उसमें मैंने, अब मैं कुछ नहीं कर सकता था, साइड में थोड़ी जगह वो खड़े थे वहाँ, तो गाड़ी जैसी रोकी मैंने, मेरे पास डाल गया हुआ, तो उसने जो है अपना क्या होता है रख दिया मेरे यहाँ, तो ऐसी एक घटना हुई कि मुझे पता नहीं चला मेरा हाथ गाड़ी की खिड़की पर कब आ गया और शीशा कब चढ़ाने लगा, मैं उससे बात करने करता रहा और सीधा चढ़ता रहा, अचानक उसका हाथ शीशे में उतर गया टाइट करके, तो उसके हाथ से जो व्यापन था वो छूट गया और 1.5 किलोमीटर में उसको खदेड़ को लेने लगा से, तो वो मैं नहीं था उस समय, मुझे पता भी नहीं था कि ये कर कौन रहा है और किसने सीधा चढ़ाया, कौन खदेड़ के ले जा रहा है, क्योंकि मेरे अंदर सामर्थ किसने पैदा करी, वो 8-10 लोग थे, वो चिल्लाते रहे, मैं उसको खदेड़ के ले गया, आत्मरा हो गया वो, जब मुझे लगा कि आप खराबी आने वाली थी, मैं उसको सीधा हटाया, तो वो उस घटना ने मेरे जीवन में ऐसा प्रभाव डाला कि कोई शक्ति है तुम्हारे साथ, धैर्य दे जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा घटना से दर्शात बताया, समाज को जागरूक करने के लिए इन घटनाओं का प्रयोग करना पड़ता है। अब हमारे दर्शकों को कोई ऐसा
संदेश देना चाहते हैं जो आपके द्वारा जो हमारे जो आपके भक्तगण हो वो सुने और उससे प्रेरित हो। जीवन का सिर्फ एक ही संदेश है कि आप व्यस्त रहिए, अपने काम में लगे रहिए और हर काम को परमात्मा से जोड़ कर करिए। जैसे हम लोग कहते हैं सात्विक कर्म, बच्चे भी पालने हैं, गृहस्थी भी देखनी है, परमात्मा का नाम भी लेना है। कर्म सब करिएगा लेकिन वो कर्म मत करिए जो समाज में वर्जित है। थोड़ी छोटी सी जिंदगी है, न किसी के साथ पैसा गया न जाएगा, केवल माँ बाप की सेवा, भाई बहन की सेवा, अपने से बड़ों की, अपने बड़ों का आदर, बस यही जिंदगी जीने के तरीके हैं। जितना परमात्मा ले रहा है उसमें संतुष्ट रहिए, सबको खुश रखिए, खुद खुश रहिए, संतोष हमेशा रखिए, संतुष्टि करके मत बैठिए। संतोष सबसे बड़ा फल है। संतुष्टि करके मत बैठिए, संतोष प्रतिदिन करिएगा। आज जो मिल गया संतोष है, कल हम फिर करेंगे तैयार। संतुष्टि करके मत बैठो कि आज जो हो गया सो गया, अब नहीं करेंगे।